हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक और शानदार पोयम पढ़ेंगे और समझेंगे उसको। जो पोयम ली गई है वो आपकी बुक हॉर्नबिल क्लास 11th की बुक का एक पोयम है। पोयम का नाम है द लेबर्नम टॉप, विच इज़ रिटन बाय टेड हग्स। टेड हग्स एक ब्रिटिश राइटर रहे हैं जिन्होंने कई सारी फेमस बुक्स लिखी है और कई सारी पोयम्स भी लिखी है। तो लेबर्नम टॉप को पढ़ने से पहले हम टेड हग के बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरह के पोएट रहे हैं। टेड हग, जिनको कि हम एक और नाम से जानते हैं, जिनका नाम है एडवर्ड जेम्स हग्स, ठीक है, एडवर्ड जेम्स हग्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनका जन्म 17 अगस्त 1930 को हुआ था एंड जिनकी जो डेथ है वो 28 अक्टूबर 1998 को नॉर्थ टॉटन में हुई थी, और जो कि यूके में है, यानी कि इनका जो पैदाइश है वो भी यूके की रही है और इनकी डेथ भी यूके में ही हुई है। इनकी जो फेमस बुक्स रही है वो है बर्थडे लेटर्स, जो कि बहुत फेमस है, दूसरी क्राओ, तीसरी द हॉक इन द रेन, और फोर्थ जो बुक है वो द आयरन मैन। इस सीरीज़ की कई सारी मूवीज़ आपने देखी होगी। और एक और जो फेमस बुक है वो टेल्स फ्रॉम ओविड, ये काफ़ी फेमस बुक रही है। अब देख लेते हैं, पोयम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट इट इज़ रिच इन मीनिंग काफ़ी गहरा है उसका। चलिए समझते हैं पोयम को। पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया है, ये स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के, उनके लिए मैंने बनाया है। और इस पे जो वीडियोस है वो उसी तरह से मैं अपलोड कर रहा हूँ, उतनी डिटेल के साथ, ताकि लिटरेचर का जो पार्ट है वो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सके। और आप जैसे बीए इंग्लिश लिटरेचर या एमए इंग्लिश लिटरेचर या अदर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए आपको हेल्पफुल हो सके। यहाँ पर जो पोयम है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेबर्नम का मतलब क्या होता है। तो लेबर्नम एक ट्री है, जो ट्री आपको मिलेगा सेंट्रल और साउथर्न यूरोपियन जो प्लेस है या जो एरिया है वहाँ पर ये मिलेगा। अक्सर ये एक छोटी हाइट का पेड़ होता है जिसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है और काफ़ी हॉन्टिंग यानी कि डरावनी जो डालियाँ हैं, ब्रांचेस इसकी होती है। इसके फूल पीले होते हैं और इसके जो और गुच्छों में लगते हैं ये। इसके अलावा जो इसके ट्री के जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी पॉइजनस रहते हैं, यानी कि जहरीले फल इसमें आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द लेबर्नम टॉप इज़ साइलेंट, पोएट शुरू कर रहा है कि जो लेबर्नम टॉप यानी कि लेबर्नम की जो चोटी है वो पूरी तरीके से शांत है ना। क्वाइट स्टिल मतलब अभी भी मतलब वो एक समय की बात कर रहा है कि किस समय पर ये बिल्कुल साइलेंट है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, येलो सेप्टेम्बर, यहाँ पर येलो का मतलब जो है वो दोपहर से लिया है या धूप से लिया गया है, यानी कि जब सन पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है डे टाइम में, और उस समय सेप्टेम्बर का जो महीना है तो उस समय सेप्टेम्बर के महीने में अक्सर ना ठंड होती है और ना गर्मी होती है, यानी कि एक तरह से आपका स्प्रिंग का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि आफ्टरनून की जो येलो लाइट है सितंबर की, उस समय पोएट जो है जो पेड़ है लेबर्नम वो पूरी तरीके से शांत हो चुका है। ए फ्यू लीव्स येलोविंग मीन्स पीली पड़ चुकी है, कुछ पत्तियाँ उस पर अभी भी लटकी हुई है लेकिन वो पीली पड़ चुकी है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और सारे जो बीज है उसके वो ज़मीन पर गिर चुके हैं। मीन्स यहाँ पर हम बात करें कि उसने दयनीय स्थिति बताई है उस पेड़ की, कि वो बिल्कुल कम्स टू एन एंड, मतलब अपने जीवन के आखिरी क्षण में आ चुका है वो, क्योंकि स्प्रिंग के सीज़न में यानी कि सितंबर का जो महीना होता है, स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट होता है बसंत में, तो अक्सर हरियाली होती है, फूल खिलते हैं, बट यहाँ पर वो ऐसा लग रहा है कि अब सूखने की कगार पर है। पेड़ बिल्कुल शांत है और बिल्कुल जैसे कोई मर जाता है उस स्थिति में वो पहुँच चुका है। Till the gold finch comes, और जब तक उसके ऊपर गोल्ड फिंच जो है एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है, जो कि जिसके पंख जो है वो पीले होते हैं और इसके मतलब इसके वंग जो पंख है उसके ऊपर येलो कलर होता है। तो जब ये गोल्ड फिंच जो आता है उस पेड़ पर विथ ए ट्विटरिंग चिरप, है ना, ट्विटरिंग चिरप का मतलब क्या होता है, एक तरह से चिकोटी काटते हुए, यानी कि वो आता है और
और चिरप का मतलब एक तरह से कड़कड़ाहट करके करने की जो आवाज़ आती है वो आती है। एस सडननेस मीन्स अचानक से, स्टार्टलमेंट और शुरुआत हो जाती है, एट ए ब्रांच एंड, कहाँ पर ये एंड होती है यानी कि जो कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, जैसे सूखी डाली के कड़क टूटने से जो आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ें जो है वो लेबनम जो ट्री है उसकी ब्रांच के एंड, ब्रांच का एंड मीन्स ब्रांच का जो टॉप है वहाँ से ऐसी आवाज़ आना शुरू होती है, यानी कि कहने का मतलब है कि वो हालत जो है उसकी जर्जर हो चुकी है। देन स्लिक एज अ लिजार्ड, और फिर स्लिक मतलब कि एक चिकनापन जो है वो उस पर आ जाता है। लिजार्ड मीन्स चिपकली की तरह, यहाँ पर एज का यूज़ किया है तो एज मतलब तुलना कर रहा है एक चिपकली की तरह, और उसकी अलर्टनेस जिस तरह से चिपकली एक अलर्ट होती है, एंड एब्रप्ट मतलब आकस्मिक तरीके से वो एकदम से मुड़ जाती है या भाग जाती है, उसी तरह से वो कंपेयर कर रहा है। शी एंटर्स मीन्स कौन आती है वहाँ पर उतनी अलर्टनेस के साथ और उतनी लिजार्ड, मतलब जैसे ही, सिंपल सी बात है, जैसे ही जो पेड़ है उस पेड़ के ऊपर जैसे ही गोल्ड फिंच आती है और कई सारे ये पक्षी आकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ट्री जो है उसकी ब्रांचेस जो है वो टूटने लगती है, ऐसा महसूस होने लगता है कि वो टूटेगी, तो वो बर्ड्स जो है वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, जैसे कि एक चिपकली होती है उस तरह से वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। शी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जैसे ही वो एंटर होती है, कौन, जो बर्ड है वो जैसे ही एंटर होते हैं उस पेड़ के ऊपर, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो चुकी है ना। ऑफ चिटरिंग्स की, यानी कि जो चैटिंग साउंड होता है, जो पक्षियों का कलरव होता है, वो कलरव का साउंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है ना, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मशीन स्टार्ट हुई है। एंड ट्रीमोर ऑफ विंग्स, और जो पंखों का ट्रीमोर मीन्स जो पंखों के फड़फड़ाने की जो आवाज़ आती है उससे पेड़ पूरा क्या होने लगता है, कांपने लगता है। एंड थ्रिलिंग और रोमांचित होने लगता है ना, मीन्स कहने का ये है कि पेड़ बिल्कुल शांत था और अचानक से इस पक्षी के आने से उसमें मूवमेंट आ जाता है, यानी कि पुनः से ऐसा लगता है जैसे वो जीवित हो चुका है, उसमें जान आ चुकी है। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जो पूरा पेड़ है वो कपकपाने लगता है, ट्रैम्बल करने लगता है और थ्रिल्स और रोमांचित हो उठता है। मीन्स कहने का मतलब है कि किस तरह से जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है लेबनम ट्री का और जो गोल्ड फिंच है उसका, कि उसके आने से उसमें जान आ जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, और ये क्या है, वो बोल रहा है कि ये तो उसका इंजन है। इंजन का रोल जो एक गाड़ी में होता है, यानी कि मोटर बाइक में होता है या कार में होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी तरह से वो बोल रहा है कि गोल्डन फिंच जो है या गोल्ड फिंच जो है उसका रोल उस ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एक ही फैमिली के सदस्य है और वो उसके इंजन की तरह काम करता है। जिस तरह से इंजन ऑफ हो जाता है तो न्यूट्रल मीन्स जो गाड़ी है, कार है या बाइक है, कुछ भी, वो रुक जाता है, वो आगे नहीं चल सकता है और ऐसा लगता है जैसे किसी काम का नहीं है, लेकिन जैसे इंजन स्टार्ट होता है वो चलने लगता है, आगे बढ़ता है, आवाज़ करता है, तो उसी तरह से जो गोल्ड फिंच है वो पेड़ पर जब आकर बैठती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो उसके इंजन है, यानी कि उसकी जान कौन है, वो पक्षी है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर क्या होता है, वो उसके ऊपर स्टॉक करने का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि एक तरह से जो इंजन में हम डालते हैं ना ईंधन डालते हैं, यानी कि जो फ्यूल डालते हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि शी स्टॉक्ड इट फुल, मतलब पूरी तरीके से क्या होता है उसको ईंधन से भर देती है, यानी कि पूरी तरह से एनर्जी उसके अंदर जनरेट कर देती है। कौन कर देती है, वो पक्षी जो है वो उस पेड़ में एनर्जी जनरेट कर देता है। एंड देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर ऐसे फ्लर्ट करती हुई कहाँ पहुँच जाती है, ब्रांच के एंड में पहुंच जाती है ना, फ्लर्टिंग करते हुए, फ्लर्ट करना मतलब एक तरह से छेड़खानी करते हुए है ना, उससे टच करते हुए ब्रांच पे फुदक कर कहाँ पहुंच जाती है, वो ब्रांच की एंड पर पहुंच जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, है ना, उसकी पहचान को दिखा रही है, वो किसको दिखा रही है, उसकी पहचान को। बेयर्ड मीन्स एक तरह से वर्जित होता है, यानी कि वहाँ पर जाना निषिद्ध है, कहने का मतलब एक ब्रांच की हालत ख़राब है, वो कभी भी टूट सकती है, तो वहाँ पर जाना जो है थोड़ा रिस्की हो सकता है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो उसकी आइडेंटिटी बनती है और वो उस ब्रांच के एंड पर पहुँच जाती है। देन विथ इरी डेलीकेट विसल चिरप विस्परिंग,
यहाँ पर बोल रहा है कि फिर क्या हो रहा है। ईरी का मतलब होता है एक तरह से भयानक, और डेडिकेट डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। तो दोनों ही वर्ड उसने यूज़ किए हैं, भयानकता भी बताई है और नाजुक भी बताया। तो इस तरह की एक विसल का साउंड जो है वो कड़कड़ाने की आवाज़ के साथ धीरे धीरे फुसफुसाना होता है। विस्पर्स का मतलब, विस्परिंग मतलब फुसफुसाने की, यानी कि बहुत कम आवाज़ में कड़कड़ाने की आवाज़ जो है वो डाली के टूटने की आना शुरू होती है, और विसल बजने की जो है भयानक विसल की आवाज़ आने लगती है जो कि बहुत नाजुक है, यानी कि बहुत कम है। शी लॉन्चेस अवे, और फिर जो है वो क्या होती है, लॉन्चेस मीन्स वो वहाँ से उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का जो वर्ड का यूज़ किया है यहाँ पर, वो इन्फिनाइट स्काई का यूज़ किया है ना, मतलब आसमान के लिए यूज़ किया है जो कि इन्फिनाइट है, अनंत है। तो उस अनंत की ओर वो उड़ जाती है। कौन उड़ जाता है, जो बर्ड है वो उड़ जाता है वहाँ से पूरी तरह से। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्पटी, और धीरे धीरे फिर क्या होते जाते हैं, पक्षी वहाँ से कम होते जाते हैं और लेबर्नम ट्री पूरी तरीके से खाली हो जाता है। यानी कि एक बार वो बर्ड के आने से जीवित हो जाता है, और फिर जैसे ही पक्षी वहाँ से चला जाता है वापस से वो डेड कंडीशन में पहुँच जाता है, यानी कि एकदम साइलेंट वो हो जाता है। तो सिंपल है, टेड हग्स ने यहाँ पर बहुत ही की एक रिलेशन बताने की कोशिश करी है कि हाउ द ट्रीज एंड बर्ड्स आर रिलेटिव टू ईच अदर, हाउ दे सर्वाइव मीन्स किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं, और स्पेशली बर्ड्स आर फुली डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड, है ना। पक्षी अपने फूड के लिए उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन जब पेड़ हम काट देते हैं, सूख जाते हैं किसी कारण से, तो फिर एक तरह से जो उनका जो पक्षी है उनका जो नेस्लिंग है, यानी कि जो घोंसला वगैरह वो बनाते हैं वहाँ पर अपना रात बिताने के लिए, वो उनका घर उनसे छीन लिया जाता है। आशा करता हूँ पूरी तरह से आपको पोयम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।